ओए कितना तेज झरना आ रहा होगा, ऊपर लोग जा रहे हैं, मैं ऊपर नहीं। ये देखिए ये पूरा रास्ता उड़ गया। मैं ऊपर सीढ़ियों में आई और ऊपर का ये वेदर देख के ना, ओ हो, कितने बढ़िया बादल आ रखे हैं, ऐसे मन कर गया। देखो और सुबह से बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी देर के लिए रुकी है। मुझे आज ना ट्रैक करने जाना था नीर झरने की तरफ छोटा सा, और लेकिन ये बारिश जो है ना सुबह से रुक नहीं रही थी। ये देखो पीछे बादल देखो, अभी भी इतना सुंदर लग रहे हैं ना, लेकिन जा ही नहीं पाई, अभी थोड़ी देर के लिए रुकी है। अगर पूरी तरह रुक जाती है तो फिर नीर झरना जाऊंगी, और छोटी सी मतलब नीर झरना के ऊपर नहीं, नीर झरना तक, और वो नीचे से नीर झरना ट्रैक करके आऊँगी, क्योंकि एक ट्रैक जो रूपकुंड था पहले कैंसिल हो गया था, अब वो फिर से आ रहा है, मतलब कर दिया पार्टिसिपेट, अभी पता नहीं है, लास्ट टाइम पे पता चलेगा, पर उम्मीद है कि चली जाऊं। आगे तो भगवान जानते हैं, अगर किसी को चलना है तो वो चल देना, लेकिन बहुत टफेस्ट ट्रैक होने वाला है, 44 किलोमीटर एक साइड से है, और पहाड़ों में ये मत सोचिएगा कि आपको नीचे होटल जैसी सुविधाएं मिलेंगी, बिल्कुल ही बेसिक से भी बेसिक होती है, और रहने क्योंकि पहाड़ पर देखिए अगर ट्रैक करने वाले हैं ना तो हर परिस्थिति में तैयार रहना चाहिए, घंटों अटके भी रहना पड़ सकता है। शाम के 5 बजे हैं और अब जा रही हूँ मैं नीर झरने के लिए। इसकी सिचुएशन शायद आपने थोड़ी बहुत देख ली होगी, ये वीडियो डाउनलोड अपलोड कर रही है मतलब उस पर चैनल पे, तो मैं भूल गई थी, एकदम सो गई थी, बारिश बंद नहीं हो रही थी, और अभी भी मौसम हो तो ऐसे ही रखा है। लेकिन बीनू भैया का भी फ़ोन आया कि भाभी जी अभी वहाँ पे अकेले मतलब लोग काफ़ी कम रहते हैं, तो वो भी चल रहे हैं साथ में। तो भैया से आपने बहुत दिनों बाद मिलन मुलाकात करी होगी। और नीर झरना जा रहे हैं, अब मैंने बताया था कि यात्रा पे जा रहे हैं, पहले डाइसी था। बहुत दिनों बाद इस साइड आई हूँ, तो यहाँ तो बरिस्ता भी खुल गया, बर्गर किंग भी है, और हाँ डोमिनो, यहाँ तो आए हैं दिया के साथ पहले बीच में, और उसके घर तक चले जाती हूँ बस खाली, सोनिया ने उधर ही लिया है ना, और ये हमारे जग्गू भैया आ गए कितने महीनों बाद। यहाँ तक तो आपको रास्ता ठीक मिलेगा, आगे जाके शायद खराब होगा, है ना। एक्चुअली गाड़ी यहीं पे लानी पड़ी, नहीं तो भैया और तो नीचे से करते हैं शॉप के वहाँ से, अभी लेट हो गया ना तो अंधेरा भी हो जाएगा यहाँ पे, और आज नीर झरने की ताज़ा स्थिति भी जान लोगे आप लोग। ये देखो कितना बड़ा पत्थर आया, और ये रास्ता ना ब्लॉक हो गया था केआरकी का, अभी भी शायद भैया रास्ता तो नहीं बना होगा, ये खुल गया। अच्छा पूरा रोड बंद है ये पूरी बारिश में। भैया को तो चलने की अच्छी आदत है, मेरी आदत है। हाँ ये शॉर्टकट से ही जा रहे ये देखिए कितनी तेज झरने की आवाज आ रही है, और जिस टाइम बारिश रुक नहीं रही होगी तो पानी कितना आया होगा इस झरने में, और ये वाला एरिया तो है भी बहुत सुंदर। वो पूरा रास्ता ढह गया था ऊपर का।
ये बहुत शॉर्टकट है, यहाँ से तुरंत पहुंच जाते हैं। और जग्गू भैया तो पहुंच गए बिन भैया मेरी वजह से रुके हुए हैं भैया बोल रहे हैं जग्गू भैया रास्ता बन गया अब उनको तो इजी लगता है। ये ना पहले ये रास्ता था, अब शायद ये बना दिया नया। अच्छा प्रॉपर बन गया रास्ता। देखो गाड़ियां कितनी आ रही हैं, यानी कि अभी झूले पे लोग आ रहे हैं इस पे झरने पे। और ये देखिए ये पूरी रोड खत्म ही थी आधी आधी ज्यादा। फिलहाल शायद यहाँ तक ठीक होगा ना, आगे रोड बंद होगा। ये देखिए ओए होए कितना तेज झरना आ रहा होगा, ऊपर लोग जा रहे हैं। मैं ऊपर नहीं जा रही, आज लेट हो गया है, फिर आऊंगी किसी दिन, दिन के टाइम पे तब जाऊंगी। पूरा ना वो बन गया एकदम से स्विमिंग पूल। ओहो ऊपर देखो जो मैंने सुबह फोन से बादल दिखाए ना, ऐसे ही बादल आ रखे हैं। यहाँ पे अंडा बन रहा है, ये अलग ही साइड है, गंगा जी के पास अलाउड नहीं है। ये रिपेयरिंग का काम शुरू हो रहा है और बारिश बंद नहीं हो रही है। अब तो बता रहे हैं कि केआरके विलेज का रास्ता खुल गया है, क्योंकि बीच में काफी दिन बारिश बंद रही ना, तो काम चल रहा है। ये देखिए कितने आराम से ये मैं केआरके विलेज तक पहुंच जाती थी, अब हालत इतनी खराब हो रखी है रोड रोड पे चलने में भी। अगर रूपकुंड यात्रा करनी है तो 4 तारीख है अभी, और बहुत स्टेमिना बनाना होगा। यहाँ तो फिर भी रोड है, वहाँ रोड नहीं होगी, पहाड़ों पे चलना होगा। सोचिए आप इतनी बारिश हुई थी, ये धस गया है पूरा, तो क्या हाल हुआ होगा। ये देखिए ये शायद रास्ता ढहा होगा पूरा। ये देखिए ये पूरा रास्ता उड़ गया। ये देखो कब कहां से कोई झरना बरना बन जाए पता ही नहीं चलता है, और ऊपर पत्थर भी है। और फिर कोई बारिश हुई अच्छी तगड़ी तो हो सकता है ये फिर हो जाए, और ये पूरा ब्लॉक हो गया होगा। और ये यहां से तोड़ता हुआ सब कुछ, कितना पानी आया होगा, यहाँ तो बहुत आया होगा। इस टाइम नए नए झरने निकले हुए हैं। फिर किसी दिन आऊंगी, या तो भैया सर जल्दी आएंगे या फिर सुबह के टाइम आऊंगी, और तब झरने पे ऊपर जाके देखूंगी। यहाँ क्योंकि आज ना एकदम लेट से प्रोग्राम बना, और 6:11 हो गया, ऊपर से ना मैंने खा रखा था। अब मैं 4 बजे खा लेती हूँ तो उसके बाद चला नहीं जाता है, और 5 बजे आना हो गया, एकदम से भागना हो गया, तभी हालत खराब हुई है। विवि जाने को बहुत सारे लोग जो एडवेंचर के शौकीन है वो जा सकते हैं, पर जो फैमिली के साथ आते हैं तो कई जगहों पे थोड़ा रिस्क है वहाँ पे ना, मतलब दूसरी साइड से तो मेरे को आइडिया नहीं है, पर इस साइड ना लैंड ज़्यादा पत्थर गिरते रहते हैं ऊपर से। इस कोने पे से थोड़ी थोड़ी ओम की शेप दिख रही है जो ऊपर केआरके विलेज में दिखती है ना जाके। हम 4 से 10 अक्टूबर के बीच में रूपकुंड की यात्रा पे जा रहे हैं, और 75 किलोमीटर है भैया, 75 है, एक तरफ से चढ़ेंगे और दूसरी तरफ उतरेंगे हैं। तो जो ट्रैक करने वाले हो वो ही जाए, हाँ मतलब ये ना सोचे कि साक्षी जा रही है तो हम जाएंगे। अब मेरे देखिए वहाँ पे यात्रा अपनी अपनी करनी होती है, और सबसे बड़ी बात खाने को जो मिल जाए
दाल रोटी, वो बहुत बड़ी बात समझिए, क्योंकि पहाड़ों पे ना इतनी भी चीज़ ले जाना ढोना पोर्टर के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे सुविधा ठीक होती अच्छी है, पर कई बार नेचर का कोई वो भरोसा कोई होता है भैया, रास्ते कई बार जैसे अभी हम वहाँ पे अटके थे आदि ओम कैलाश पर्वत पे नहीं जा पाए थे क्योंकि बारिश इतनी तेज थी, रिस्क ले नहीं सकते और क्योंकि सबके साथ सबकी अलग अलग वो होती है, तो इसीलिए मेरे वही चले जो कि अच्छी लंबी यात्राएं पहले कर चुके हैं। अपने शरीर का आप लोगों को खुद पता होता है, ये नहीं है, है ना, ठीक बात है। 4000 मीटर का ट्रैक किया हो कम से कम, कम से कम 4000 मीटर का। हाँ, फर्स्ट टाइमर के लिए नहीं है। और कितने पैसे बताए थे आपने? 24,000 है। इसमें बैग वैग सब इंक्लूड है। पोर्टर का अपना छोटा बैग, एक कैरी डे कैरी बैग है, वो आपको अपने साथ वो रखना ही होता है क्योंकि पानी वानी के लिए बार बार आप पोर्टर पे निर्भर नहीं रह सकते हो। एकदम गुलाबी आसमान हो रहा है। रात को वहाँ से आके गंगा जी पे गई और गंगा जी पे इतनी गंदगी देखी और ऊपर से ही ना माइक में पता नहीं क्या था कि आवाज़ ही नहीं आई माइक के अंदर ही। वो वहाँ से वो भैया मतलब बच्चे भी पैर छू रहे थे बार बार, तो कह रहे थे कि मैं आपसे छोटा हूँ और वहाँ से आवाज़ हो गई। कई बार माइक इश्यू हो जाता है, शर्मा जी होते तो दोबारा तो खैर इतनी छोटी सी क्लिप के लिए नहीं जाते, पूरी वीडियो ख़राब होती तब जाते, पर ये कि आते वक्त जहाँ से वो ख़राब हुई और नीचे गंगा जी तक उसमें वॉइस थी नहीं। गंगा जी पे गई मैं, इतनी गंदगी थी बिल्कुल हमारी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही, वहीं पे टॉयलेट की स्मेल आ रही, पॉटी की स्मेल आ रही और वहीं पे ही सामने खाना बना रही थी लेडीज़। मैंने बोला आप तो बिल्कुल जानवर से भी बदतर हो गए कि वो भी देखते हैं। मैंने ना यहाँ सामने बिल्ली देखी है, कितनी बार मैंने बताया भी है, बिल्ली अगर टॉयलेट करने जाती है ना, पॉटी करती है, तो वो मिट्टी खोदती है, मिट्टी खोद के और फिर करके फिर मिट्टी से ढकती है उसको, फिर जाती है वो मिट्टी, वो भी खाद का काम करती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लोग आ रहे हैं तो अगर कच्चा हो तो बात अलग है, लेकिन सब कुछ पक्का है, सब कुछ सीमेंटेड हो रखा है और वहाँ पे आके शौच जा रहे हैं। आप बताइए, वहीं पे टॉयलेट पक्के में ही, वहीं पे पॉटी जा रहे हैं, तो कहाँ से, मतलब कच्चा हो तो सब कुछ वो अंदर चला जाता है, वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन शौच एक ऐसे मतलब उसी में ही जा रहा है। बताइए आप, बस पे इतना खर्चा करते हैं, इतने पैसे लगा के आते हैं लोग ये ना, और लेकिन एक हजारों रुपए तो लगते होंगे बस बुक करके आते हैं, फैमिली की फैमिली आती है, लेकिन 50-100 रुपए सोच पे खर्च नहीं कर सकते, तो कैसी सोच है। सोच देखिए ना कि भाई शौचालय पे आप 50-100 रुपए खर्च नहीं कर सकते हो और कितनी गंदगी हो जाती है, और गंदगी की तो बात अलग, स्मेल आती है फिर उससे बीमारियाँ कितनी होती हैं। और नीर झरने का आपने देख लिया और इसके ऊपर हम कंप्लेंट करने जा रहे हैं लेडीज़ के साथ, करेंगे, बात हुई थी मेरी उस क्लिप में भी, आवाज़ नहीं है क्योंकि वो उससे कनेक्टेड ही थी, सॉरी लेडीज़ वाली में है आवाज़, और वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और नीर झरने की आपने देख ली है, रोड कैसी थी तब तक तो शुक्र है आवाज़ थी, और उसके बाद सारा मैंने आपको दिखाया वहाँ पे। फिलहाल लोग जा रहे हैं और लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके भी जाएं क्योंकि धूप के बाद, जो बारिश के बाद थोड़ी धूप होती है उसके बाद पत्थर झटकते हैं तो वो गिरने का खतरा रहता है। पेड़ ज़रूर लगाएं और सोच शौच के लिए अपनी सोच बदलिए, अब पेड़ के साथ साथ आसपास में गंदगी ना फैलाएं। वैसे मुझे लगता है कि हमारे देखने वालों में ऐसे लोग नहीं हैं जो ऐसे मतलब आके नीचे बैठते हों, और उसमें बैठने की कोई समस्या नहीं है। अगर जैसे भाई हम भी, ऐसा कभी किसी के भी साथ हो सकता है, अगर आप घाट पे बना रहे हो
खाना बना रहे हो, अगर आप सो रहे हो तो कोई बात नहीं, कभी लोग कैंपिंग करते भी हैं, हम भी कैंपिंग करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर मतलब वो होती है कि पक्के सीमेंट पे, जो पक्के सीमेंट के फर्श पे एक टॉयलेट करना, वहाँ पे सोच करना, मतलब शौच करना, वो एक अलग बात होती है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे हम तो कि भैया कुछ करिए सुधार, जो लोग इतनी दूर से फिर घूमने आते हैं ना अलग अलग, और बहुत सारे लोग आते हैं उस टाइम पे, मेरे को कह के जा रहे हैं कि गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो उनका भी तो हर तरीके की पब्लिक होती है, तो दूसरी पब्लिक का भी ध्यान रखो। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं और साफ सफाई का भी ध्यान रखें।